हेलो जी, नमस्कार। दिस इज़ दिनेश शर्मा इन फिजिक्स की बात। आज का हमारा टॉपिक क्लास 11th काइनेमेटिक्स 1 चैप्टर 3 एनसीईआरटी एंड टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है आज ये बात की जाएगी। डिटेल में एक्सेलरेशन के टेक्निकल पहलुओं को समझेंगे हम, लेकिन सबसे पहले इसका एक और नाम, जिन बच्चों ने 10th किया हिंदी मीडियम में उन्होंने इसको पढ़ा त्वरण के नाम से। त्वरण बोलें तो त्वरित होना, तेज होना, वहीं से ये शब्द इंस्पायर्ड है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, आपने कभी फील किया इस चीज़ को? आपने डेली लाइफ में कहीं पर एक्सेलरेशन होता हुआ देखा हो? सोचिए ज़रा। हमने बहुत बार देखा है, जब भी हम किसी बस में बैठे, बस अचानक से चलना शुरू करती है, पहले बस खड़ी थी, चलना शुरू करती है तो बस की वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। फिर बस ने चलना शुरू किया, कुछ टाइम चलती रही, बीच में अपने वेलोसिटी चेंज किया उसने कहीं पर, फिर एक्सेलरेशन हुआ। फिर उसने वेलोसिटी को डिक्रीज़ किया, फिर एक्सेलरेशन हुआ। बाद में कहीं एक नेक्स्ट स्टॉप पे बस रुक जाती है तो फिर से वो अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, फिर से एक्सेलरेशन होगा। हाँ, जहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है इवेंट को कहते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन वाज नेगेटिव, और जहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है वहाँ को बोल रहे हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो क्या ऐसा कहा जाए कि एक्सेलरेशन कब होता है? व्हेन देयर इज़ चेंज इन द वेलोसिटी। बिल्कुल सही बात है, एक्सेलरेशन है ही बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन हम शुरुआत करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन से कि व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, दो पॉइंट्स लेते हैं ए और बी, राइट, और इन दो पॉइंट्स के बीच में किसी बॉडी का मोशन हो रहा है। यहाँ टाइम नोटिस किया आपने T1, और वहाँ पर जो बॉडी थी उसकी वेलोसिटी आई V1, राइट, इनिशियल वेलोसिटी। इसको बाद में हम स्मॉल यू से लिखेंगे, राइट, बाद में जब करेंगे ना इसको, तो इनिशियल वेलोसिटी, जब बॉडी अपना मोशन शुरू करती है उसकी वेलोसिटी को हम यू शब्द से लिखेंगे। एंड आफ्टर सम टाइम, से टाइम T2 के ऊपर जब हमने फिर से वेलोसिटी को नोटिस किया तो वेलोसिटी वॉज V2। तो दिस इज़ अलॉन्ग वन डायरेक्शन, तो मैं यहाँ वैक्टर नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अदरवाइज आप जनरली वेक्टर लगा सकते हैं। सो दिस इज वेलोसिटी V1 एट टाइम T1 एंड वेलोसिटी V2 एट टाइम T2। क्या T1 से T2 पर जाने में वेलोसिटी में चेंज हुआ? अच्छा, वेलोसिटी में चेंज होता कब है? कब कहा जाए कि व्हेन देयर इज चेंज इन द वेलोसिटी? तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट से ना, वेलोसिटी में एक स्पीड था और स्पीड के साथ साथ में एक सेंस और एडिड था डायरेक्शन का। दैट मीन जब भी या तो स्पीड चेंज हो रही है, कोई कार जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सीधी लाइन में, अचानक वो स्पीड को 50 करती है उसी लाइन के अक्रॉस, तो हम कहेंगे वेलोसिटी है यहाँ पर, क्योंकि स्पीड चेंज हो गया। और दूसरे केस में स्पीड कांस्टेंट रही लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दिया, कार 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और उसने ऐसे कर्व ले लिया, तब क्या हुआ? तभी डायरेक्शन चेंज हो रही लगातार। वेन एवर देर इज चेंज इन द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी का इवेंट चेंज हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो T1 से T2 पर गए और हमने कहा दिस टाइम है ये A से B पर जाने में, और हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी में चेंज हुआ, तो व्हाट इज चेंज इन द वेलोसिटी? तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू V2 माइनस V1, हम सभी को वेक्टर से लगा लेते हैं। एंड हाउ मच टाइम गॉट चेंज्ड? तो डेल्टा T स्केलर है ना, दिस इज T2 माइनस T1, तो इनको यदि डिवाइड कर दिया जाए तो उसको कहा जाता है एवरेज। ये जो बार लगता है दिस इज फॉर एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम ए से लिख रहे हैं इसका सिंबल ऊपर बार लगा के, एंड दिस इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन फॉर एवरेज एक्सेलरेशन। इसको आप चाहें तो आप ए इज इक्वल टू डेल्टा VY डेल्टा T भी लिख सकते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन किया जाए? दिस इज चेंज इन द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, इज इट? अच्छा, एक बात नोटिस कर रहे हैं कि इसमें जो फार्मूला में वेलोसिटी आ रही है, कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल पॉइंट पे कितना वेलोसिटी थी और फाइनल पे कितना वेलोसिटी थी, बीच में हाउ द वेलोसिटी चेंज्ड, उसकी बात नहीं की जा रही यहाँ पर। दैट मीन एवरेज एक्सेलरेशन ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज, दिस नेवर डिपेंड्स ऑन द ड्यूरिंग द पाथ हाउ द वेलोसिटी गॉट चेंज्ड। अच्छा, एक काम करते हैं, ये तो हुआ कि इस T1 टाइम इंटरवल से लेकर
यहां तक T2 जिसको पॉइंट ए और बी कहे, यदि हम कहते हैं कि इस इंस्टेंट पे कितना वेलोसिटी था, तो मान लेते हैं कि यहां पर टाइम टी था और बिल्कुल इसके साथ लगता टाइम डेल्टा टी बहुत ही कम लिया जाए. सो ये वाला इंटरवल कितना हो गया, दिस इज टी प्लस डेल्टा टी, राइट. तो टी पे कितना वेलोसिटी था और टी प्लस डेल्टा टी पे कितना वेलोसिटी था, उनमें डिफरेंस निकाल लें तो वो डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी मिल जाता है, लेकिन हमने इस टाइम को बहुत ही छोटा कर देना है. तो क्या ऐसा कहें कि जो ये डेल्टा वी लिखा है और ये डेल्टा टी लिखा है, इसको लिमिट कर दिया जाए, इसको और छोटा 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 करते टाइम इंटरवल इतना छोटा कर दे कि दैट ऑलमोस्ट इज जीरो, दैट टेंड्स टू जीरो. तो ये जो हमने लिखा है इसे कहते हैं, दिस इज डी वी वाई डी टी वाई द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, और इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. तो ये जो लिखा हमने, दिस इज कॉल्ड ए, अभी ए बार नहीं है, दिस इज कॉल्ड विच इज कॉल्ड सिंपली एक्सेलरेशन, और मोर स्पेसिफिकली इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. वाई इंस्टेंटेनियस, बिकॉज दिस इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट. जिस इंस्टेंट की बात की आपने, उस इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी इस तरह से चेंज हो रही थी. वेलोसिटी का चेंज कैसे हो रहा है, एक्सेलरेशन एक ऐसा टूल हो गया हमारे पास विच एनेबल्स अस टू सी कि वेलोसिटी चेंज कैसे कर रही है, इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, किस रेट से इंक्रीज कर रही है, कितना फास्ट इंक्रीज कर रही है. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी वाई डी टी. सो दिस ए इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. मैंने इसको ए सी सी और ऊपर एन लिख दिया, दिस एक्सेलरेशन. तो ए इज इक्वल टू डी वी वाई डी टी, राइट. एक बात और, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम सिंपली एक्सेलरेशन भी कह देते हैं. तो जब भी एक्सेलरेशन कहा जाएगा तो एक्सेलरेशन मीन दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो क्या ऐसा कहा जाए कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज ए इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यस. और यदि हम इसको वेलोसिटी को भी रेट ऑफ चेंज, किसका होता है वेलोसिटी, कैन यू रिकॉल, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये आपने पहले पढ़ा है. यहाँ पर डेरिवेटिव के दो इक्वेशंस पढ़ी ना आपने, डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड वेलोसिटी और वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. ये दो इक्वेशंस हैं हमारी जो डेरिवेटिव्स के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल कैलकुलस की दो मेन इक्वेशंस हैं जो हमें यहाँ पर इन तीनों टर्म्स को डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को आपस में रिलेट करती है, यू नो देम वेल. तो यदि यहाँ पर हम लिखें कि ए इज इक्वल टू, दिस इज डी वाई डी टी ऑफ वी, एंड व्हाट इज वी, दिस इज डी एस वाई डी टी. आप चाहें तो यहाँ पर एक्स भी लिख सकते हैं, सो दैट बिकम्स डी टू एस बाय डी टी स्क्वायर. कैसे बोलते हैं इसको, दिस इज डी टू एस डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर, ऐसे बोलना है इसको हमने. तो ये डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, दिस वॉज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो ऐसा कहें कि एक्सेलरेशन को हमने दो तरीके से यहाँ डिफाइन कर दिया, यस, एक्सेलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. आपको कोई डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हो, जैसे मान लेते हैं कि एस इज इक्वल टू से टी स्क्वायर प्लस 4t, और यहाँ से आपको वेलोसिटी निकालना हो, कैसे, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, एक्सेलरेशन निकालना है इसको फिर से करिए डिफरेंशिएट. तो इस तरह से वी कैन फाइंड द डिफरेंट रिलेशंस फॉर वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन आपने क्या देखा, एक बड़ी व्यवहारिक सी टर्म है और जिसको हम डेली देखते हैं अपने आसपास होता हुआ. और हमने दो तरह के एक्सेलरेशन की बात की आज, नंबर वन वी टॉक्ड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन एंड देन वी टॉक्ड ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. एक और आपको डिफरेंस का हम पॉइंट कह सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल एंड व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन, नाम से लग रहा है कि व्हेन देयर इज चेंज इन द वेलोसिटी तो होगी तभी एक्सेलरेशन होगा ना. तो यदि इक्वल टाइम इंटरवल में द चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट सेम, इट इज अनइक्वल, दैट मीन पहले सेकंड में वेलोसिटी कुछ और चेंज हुआ, सेकंड में कुछ और, थर्ड में कुछ और. सो व्हेन एवर देयर आर अनइक्वल चेंज इन द वेलोसिटी इन द इक्वल टाइम इंटरवल देन द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड वेरिएबल एक्सेलरेशन. लेकिन व्हेन एवर देयर आर इक्वल चेंजेस इन द वेलोसिटी इन द इक्वल टाइम इंटरवल देन द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन.
तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब होगा तो उसको वैल्यू दे पाएंगे आप. जब मैं कहता हूँ कि जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मैं एक पेन को यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, पेन नीचे आता है. व्हाट इज एक्सेलरेशन? क्योंकि फोर्स लग रहा है यहाँ पे ना, फोर्स लग रहा है, अर्थ इस पे फोर्स लगा रहा है, तो एक्सेलरेशन तो हो ही रहा है यहाँ पर. जी इज देयर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये फिक्स वैल्यू दिया मैंने. फिक्स वैल्यू का मतलब ये हुआ कि ये एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. यदि वैल्यू को फिक्स नहीं दे पाए, दैट मीन्स एक्सेलरेशन यहाँ वेरी हो रहा है, तो वेरिएशन उसका क्या है वो बात अलग ढंग से की जाएगी. तो दिस वॉज ऑल. एंड एक हम कहते हैं कि वॉट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड वट डू यू मीन बाई नेगेटिव एक्सेलरेशन? वट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड वट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन? तो यहाँ पर क्या है ना कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा कि वेन एवर देर इज इंक्रीज इन द वेलोसिटी, इंक्रीज इन द वेलोसिटी, यानी वी वन से वी टू गए आप एंड वी टू माइनस वी वन इज पॉजिटिव, दिस इज मोर देन जीरो, डेल्टा वी इज मोर देन जीरो, दैट मीन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. आप एक ही डायरेक्शन में गए और 30 किलोमीटर पर आवर से या 40 किलोमीटर पर आवर हो गए, दैट मीन्स आपने वेलोसिटी चेंज किया, तो डिफरेंस इज पॉजिटिव. लेकिन यदि आप V1 से V2 जाते हैं, जैसे कार जा रही है और एकदम से ब्रेक लगा देती है वो, आप भाग रहे हैं अचानक रुक जाते हैं आप, तो आपका स्पीड मान लेते हैं कि यहाँ पर इट वॉज 20 किलोमीटर पर आवर, राइट, और स्लोली इन जस्ट वन और टू सेकेंड और थ्री सेकेंड्स ये जीरो हो जाता है. दैट मीन्स यहाँ पर V2 माइनस V1 कितना होगा? जीरो माइनस 20 इज ए नेगेटिव. कैन यू गेट इट? दैट मीन डिफरेंस इन द वेलोसिटीज, दिस माइनस दिस, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हमारा लेस देन जीरो हुआ. दैट मीन दिस इज अ केस ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन. तो जब भी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं आप, पिकअप कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, दैट एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव. जब रिटार्डेशन वर्ड आए कहीं पर, तो रिटार्ड होना मतलब रुकना है ना, उसको अपोज करना, रिटार्डेशन इज ऑल्सो नेगेटिव एक्सेलरेशन. और डेसीलरेशन मीन दिस इज ऑल्सो नेगेटिव एक्सेलरेशन. तो नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है वो इस नाम से कम जाना जाता है, और रिटार्डेशन या फिर डेसीलरेशन ये ज़्यादा कॉमन वर्ड्स हैं इसके लिए. तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक आइडिया ऑफ एक्सेलरेशन. मान लेते हैं कि आप किसी शॉपिंग मॉल में हैं, है ना, और शॉपिंग मॉल में आप एक लिफ्ट में हैं, एंड इन द लिफ्ट यू आर गोइंग फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू से फोर्थ फ्लोर, दिस इज फोर्थ फ्लोर. तो यहाँ पर जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो कब कब एक्सेलरेशन होता है? चलो हम एक सिचुएशन की कल्पना करते हैं. जब आपने चलना शुरू किया तो पहले लिफ्ट जीरो स्पीड पे थी, रेस्ट था ना, रेस्ट की कंडीशन में स्पीड वाज जीरो, वेलोसिटी वाज जीरो, एंड व्हेन इट स्टार्टेड मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन दैट केस पहले इसने अपना वेलोसिटी को पिकअप किया, तो पहले तो एक्सेलरेशन हुआ, राइट, फॉर वन और टू सेकंड से. फिर मान लेते हैं कि जब मान लो एक्सेलरेशन हो गया, इसने यहाँ पर जाकर अपना वेलोसिटी को पिकअप कर लिया, और यहाँ से लगभग मान लेते हैं कि यहाँ तक इसने अपने को यूनिफॉर्म वेलोसिटी चला रखा. सो इन दैट केस जब वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ यहाँ से यहाँ तक, मान लो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो बताओ यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हुआ? देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी, दैट मीन इस जगह पर एक्सेलरेशन कितना हो गया? जीरो हो गया. और जब उसने फिर से रोकना है अपने आप को, तो फिर से इन वन और टू और थ्री सेकंड्स एकदम से रुकती है वो. सो इन दैट केस ऑल्सो देयर इज डिक्रीज इन द वेलोसिटी. तो यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ, इस जगह पर एक्सेलरेशन जीरो हुआ, और यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ. तो एक ही रूट पे आपने तीनों एक्सेलरेशन होते हुए देखे. यहाँ पर व्हाट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन? जब स्पीड पिकअप किया, स्पीड इंक्रीज हुआ, देन जब स्पीड चेंज नहीं किया, देन इट वॉज जीरो एक्सेलरेशन, एंड फाइनली when the speed decreased it was negative acceleration. Can you get it? तो इसी केस को हमने जो ये पॉजिटिव एक्सेलेशन, जीरो एक्सेलेशन और नेगेटिव एक्सेलेशन की है लिफ्ट वाले केस में, इसको ग्राफिकली दिखाने की कोशिश करते हैं. मान लेते हैं हम ये पोजिशन टाइम ग्राफ, जिसको मैं एस टी ग्राफ कह रहा हूँ, वो बना रहे हैं उस लिफ्ट के केस के लिए. तो ये टी इज इक्वल टू जीरो है व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. अभी आप लिफ्ट में बैठ चुके हैं, लेकिन लिफ्ट ने चलना शुरू नहीं किया है, और लिफ्ट अभी स्टार्ट होने ही वाली है. मान लेते हैं कि जस्ट फॉर वन सेकेंड लिफ्ट इज स्टेशनरी, एंड एकदम से लिफ्ट ने चलना शुरू किया, और वन से लेकर मान लो थ्री सेकेंड तक लिफ्ट ने अपने आप को पिकअप किया, है ना, थोड़ा सा यहाँ पर एक्सेलरेशन हुआ, वेलोसिटी में इंक्रीज हो, यू कैन सी यहाँ पर वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है. ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है जी, और आपने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यदि कोई
कर्व हो तो किसी पॉइंट पे यू ड्रॉ द स्लोप, यू कैन सी कि स्लोप बढ़ रहा है, दैट मीन यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रहा है. कैन यू सी? तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ा, और मान लो थर्ड सेकेंड पर जाकर जब ये 5 मीटर ऊपर चली गई थी, तो उस पॉइंट पर जाकर इसने अपना स्पीड यूनिफॉर्म कर लिया, एंड फॉर सम टाइम स्पीड इज़ यूनिफॉर्म. फॉर सम टाइम से हम यही कह लेते हैं इस जगह पर जाकर, और थोड़ा स्कोर आगे लेते हैं, अप टू 7 सेकेंड से द स्पीड इज़ यूनिफॉर्म, द वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन वेलोसिटी इज़ यूनिफॉर्म. तो 3rd सेकेंड से लेकर 7th सेकेंड तक वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, और फिर इसने क्या किया, अचानक से अपने आप को फिर से रिटार्ड किया, एक्सेलेशन फिर से प्रोड्यूस हुआ, लेकिन वो नेगेटिव था क्योंकि अब लिफ्ट ने रुकना है, एंड लिफ्ट स्टॉप्स लाइक दिस, एंड हेयर लिफ्ट स्टॉप्स से एट 8 सेकेंड. यहाँ पर आप देख रहे हैं रिटार्डेशन हुआ है, एंड देयर आफ्टर व्हाट हैपेंस, लिफ्ट हैज़ बिकम स्टेशनरी. तो ये हमारा ST ग्राफ था इस केस के लिए, राइट. इसी ग्राफ को यदि हम VT ग्राफ बनाएं तो क्या होगा? अब सेम उसी सिचुएशन के लिए हम बना रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ. दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. देखते हैं यहाँ पे क्या होता है. आप एक बात नोटिस करें, यहाँ पर वेलोसिटी 0 थी, राइट. यहाँ पर स्लोप लगातार बढ़ रहा है, दैट मीन चेंज इन द वेलोसिटी इज देयर. तो यहाँ पर जो चेंज है वो कैसा है, दिस चेंज इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म चेंज. और यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि दिस इज़ द केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट मीन जो वेलोसिटी यहाँ बन जाएगी वही यहाँ तक रह रही है. कितनी है, वी कैन फाइंड दैट. यहाँ के बाद क्या हो रहा है, वेलोसिटी फिर से डिक्रीज हो रही है, और यहाँ बॉडी फिर से रेस्ट पे आ जा रही है. लेट अस ट्राई टू सी इसका ग्राफ कैसा बनेगा. एक तो क्लियर है कि 0 से 1 में हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं. 0 से 1 में वेलोसिटी बिल्कुल नहीं था, तो ये 0 से 1 में ग्राफ यहाँ बना, रेस्ट पे था. अब देखें कि ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बनी 3rd सेकेंड से लेकर 7th सेकेंड तक, ये 3rd सेकेंड है, राइट, और ये है हमारा 7th सेकेंड. इनके बीच में जो वेलोसिटी है वो कैसी है, दिस वेलोसिटी इज़ यूनिफॉर्म, चेंज नहीं कर रही है. क्यों? क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है ना. हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज़ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज़ ds/dt, और वेलोसिटी इज़ dx/dt, कुछ भी कह लीजिए. XT ग्राफ का या ST ग्राफ का जो स्लोप होगा वेलोसिटी होता है वो, और यहाँ स्लोप कांस्टेंट है. यहाँ स्लोप चेंज कर रहा है तभी हम कह रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ स्लोप चेंज नहीं कर रहा है. ढलान जो है एक बार बन गया, सेम स्लोप इज गोइंग ऑन, राइट. लेकिन यहाँ पर जाकर फिर से स्लोप क्या देख रहे हैं, ये ग्राफ जब ऐसे ले रहा है कर्व, यहाँ पे तो दो पॉइंट लीजिए, देखो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें, ये स्लोप है और यहाँ पर ये स्लोप है. देखो विद हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर ये एंगल है, यहाँ पर ये एंगल है, तो यह एंगल ज़्यादा है, यह एंगल कम है, तो यहाँ पर स्लोप डिक्रीज कर रही है, दैट मीन यहाँ पर विद द टाइम द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, राइट, और यहाँ पर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है. यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम हियर. चलिए हम बात कर रहे हैं कि 3rd सेकेंड से लेकर 7th सेकेंड में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कितनी. तो हमने क्या कहा था, स्लोप कैसे निकालते हैं, दिस ∆Vy ∆t, दो पॉइंट्स हैं, t1 is 3, t2 is 7, तो ये कितना हुआ, ये है 20 माइनस 5, दैट मीन यहाँ से यहाँ जाने में, यानी इस टाइम से इस टाइम में, जब टाइम 3 से 7, दैट मीन 7 माइनस 3 मीन 4 सेकेंड में डिस्टेंस जो कवर्ड हुआ वो 5 मीटर से 20 मीटर किया. दिस इज 20 माइनस 5 इज 15, तो दिस इज 15/4, तो 15/4 मीन दिस इज 3.75, तो 3.75 मीटर पर सेकंड. सो दिस इज आवर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो 3.75 लगभग यहाँ जैसे कह लीजिए, ये वेलोसिटी, इफ दिस वैल्यू इज 3.75, तो ये वेलोसिटी बिल्कुल इस टाइम में क्या रह रही है, दिस इज यूनिफॉर्म. दैट मीन यहाँ तक 0 थी वेलोसिटी, और यहाँ से यहाँ एक्सेलरेट की है, तो यू कैन सी कुछ ऐसा देख रहे हैं आप. तो यहाँ पर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, फर्क देख रहे हैं आप. इस ग्राफ में क्या था, यहाँ पर स्लोप वाज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्म, दैट मीन्स यहाँ पर हमने कह दिया कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, वेलोसिटी में यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है. ये 1 पे 0, 2 पे थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा 2.1 पे और बढ़ गया, 2.2 पे और बढ़ गया, इस तरह से. और 7th सेकेंड से 8th सेकेंड तक ये डिक्रीज की वेलोसिटी घटना शुरू हुई, तो ये यहाँ से
एकदम से इधर। अब देख रहे हैं यहाँ पर 2 सेकेंड लगे इसको इंक्रीज होने में, वहाँ पर स्लोप ज़्यादा शार्प है, यहाँ पर डेसिलरेशन हो रहा है, देर इज डिक्रीज इन द वेलोसिटी एंड देर आफ्टर अगेन इट इज एक्वायरिंग दिस जीरो। तो ये हुआ सेम ग्राफ के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्राफ्स का कंपैरिजन करने से, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कंपैरिजन करने से आपका इन प्रॉब्लम्स को समझने का नज़रिया और शार्प हो जाता है, आपका तरीका और रिफाइन हो जाता है। एक बार फिर देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में 0 से 1 सेकेंड में हाउ मच डिस्प्लेसमेंट इज़ देयर, 0, क्योंकि लिफ्ट अभी रेस्ट पे थी, लेकिन यहाँ पर लिफ्ट का जो वेलोसिटी की बात करें तो वो भी 0 ही होनी चाहिए। 1 से 3rd सेकेंड ये ग्राफ ऐसा बन रहा है, 1st से 3rd सेकेंड में ऐसा ग्राफ बन रहा है, यहाँ बॉडी का स्पीड पिकअप कर रहा है, लिफ्ट थोड़ा सा फास्ट हो रहा था, तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे देखें हम, तो यहाँ पर मान लो ये वेलोसिटी है ना। हाउ डू वी फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बाय ड्राइंग ए दिस टेंजेंट, यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ किया, उनके स्लोप से वी कैन फाइंड। तो इस पॉइंट पे 1, 2, 3 पे, 1, 2, 3 कहीं पर लेते हैं, तो वेलोसिटी डिफरेंट हैं, लेकिन 1 से 2 जाने में जो चेंज आया वही चेंज लगभग 2 से नेक्स्ट जाने में वही चेंज ऐसे आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस तो बॉडी कवर कर रही है और डिस्टेंस इक्वल नहीं है। देख रहे हैं आप यहाँ पर कुछ काफ़ी चेंजेस आ रही हैं, राइट, कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, दिस इज वेरिएबल वेलोसिटी, दिस इज वेरिएबल वेलोसिटी, लेकिन इसका जब ग्राफ बनाएंगे हम तो ग्राफ कैसा बन रहा है इसका, 1 से लेकर ये 3 सेकेंड तक ये स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स वेलोसिटी इज डिफरेंट एट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, लेकिन बिटवीन एवरी 2 पॉइंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज सेम। और यहाँ आगे देखेंगे यदि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज सेम तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, यानी इस सॉरी रीजन में एक्सेलेरेशन भी कितना है हमारा, 0 एक्सेलेरेशन है यहाँ पर। तो 3rd से 7th सेकेंड की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ जाने में आप देखते हैं कि हम कितना डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना हो हमारा, 20 - 5 = 15 मीटर एंड टाइम टेकन इज 7 - 3 = 4 सेकेंड, तभी निकाल दिया हमने, लेकिन यहाँ स्लोप सेम रह रहा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जब स्लोप सेम है, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, वेलोसिटी होता ही स्लोप है, एसटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी हो रहा है, जब स्लोप ही चेंज नहीं कर रहा है तो वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, दैट मीन जिस वैल्यू पे ये 3.75 मीटर पर सेकंड पर सेट किया वहीं रह रहा है वेलोसिटी, और 7 से 8 सेकंड में देर इज़ क्विक डिक्रीज इन द वेलोसिटी, तो यहाँ पर डेसिलरेशन हो रहा है और ये 8 से आगे जाकर बॉडी फिर से रेस्ट पे है, लिफ्ट फिर रेस्ट पे है। दिस इज़ हाउ वी कैन ड्रॉ वी टी ग्राफ। और अब इसी सिचुएशन के लिए यदि हम एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ ए टी ग्राफ बनाते हैं, एक्सेलेरेशन और टाइम है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए यहाँ पर दिस इज 0 to 1 सेकेंड, तो 0 to 1 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी 0, तो ऑब्वियसली एक्सेलेरेशन भी 0 ही होगा क्योंकि देर इज़ नो चेंज इन द वेलोसिटी। लेकिन 1 सेकेंड से जब 3rd सेकेंड गए तो क्या T1 और T2 क्या इन दोनों इवेंट्स के बीच में वेलोसिटी चेंज किया कि नहीं किया, 1st सेकेंड पे वेलोसिटी कितना था 0 एंड 3rd पे कितना है ऑलमोस्ट 4 कह लीजिए आप, तो 3.75 मान लो 4 है ये, तो इन T2 - T1 यानी 3 - 1 यानी 2 सेकेंड्स के अंदर, ये 2 सेकेंड कौन से हुए, 3 - 1, इन 3 - 1 सेकेंड में वेलोसिटी में चेंज कितना है, लगभग 4 - 0, दिस 4 मीटर पर सेकेंड चेंज आ गया, दैट मीन्स डेल्टा वी कितना हुआ, दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड एंड व्हाट इज डेल्टा टी, दिस इज 2 सेकेंड, सो कितना है, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज आवर एक्सेलरेशन, राइट। तो एक्सेलरेशन आया यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहाँ पर, 1 से 3 के बीच में, तो 1 से 3 के बीच में एक्सेलेरेशन का वैल्यू कितना रहा, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, यानी 0 से 1 पर 1st सेकेंड पे जाकर, एकदम से 1st सेकेंड पे जाकर ये 2 पे पहुंचता है एंड देन एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड्स इट इज़ एट वैल्यू ऑफ 2, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे क्या होता है, 3 से लेकर 7th सेकेंड तक देर इज़ नो चेंज इन द वेलोसिटी, वेलोसिटी का वैल्यू सेम है, लगभग 4 मानिए आप, तो नो चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन 0 एक्सेलेरेशन, तो यहाँ पर आकर फिर से हमारा एक्सेलेरेशन कहाँ पर, 3 से लेकर 7 तक ये एक्सेलेरेशन हमारा 0 हो जाता है, इस अगेन 0 एक्सेलेरेशन, कैन यू सी, ये एक्सेलेरेशन 0 था, यहाँ इट वाज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ फिर से एक्सेलेरेशन इज 0, यहाँ भी 0 है। आगे चलते हैं, अब 7 से 8 में क्या हुआ,
सेवन से एट सेकंड में जब आप गए तो वेलोसिटी एकदम फोर से जीरो चेंज हुआ, तो व्हाट इज वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन, यही तो एक्सेलेरेशन होगा ना यहाँ पर, दिस इज एवरेज एक्सेलेरेशन इन दिस टाइम स्पैन, तो व्हाट इज वी टू, न्यू वेलोसिटी इज हेयर जीरो माइनस इनिशियल कितना था लगभग फोर मान के चलिए, डिवाइडेड बाय दिस इज टी टू माइनस टी वन, एट माइनस सेवन इज वन, दिस इज माइनस फोर बाई वन, दिस इज माइनस फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, तो क्या ये एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, यस yes. तो हमें यहाँ पर नेगेटिव की तरफ भी ग्राफ बनाना पड़ेगा, वाई एक्सिस को एक्सटेंड करना पड़ेगा, दिस इज माइनस वन, दिस इज माइनस टू, माइनस थ्री एंड दिस इज माइनस फोर, तो ये माइनस फोर यहाँ पर जो वैल्यू हुई लगभग ये माइनस फोर हो गई इधर, और ये अप टू एट सेकेंड चला गए, दिस वैल्यू इज माइनस फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड देयर आफ्टर आफ्टर एट सेकेंड फिर से ये जीरो हो गया, तो ये हमारा फिर से एक्सेलेरेशन जीरो हो गया. सो दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर दिस ग्राफ फॉर द सेम सिचुएशन. हमने एक लिफ्ट ली, लिफ्ट में बैठे और लिफ्ट में जब ऊपर गए, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो वहाँ पर आपने जब लिफ्ट में बैठना है तो यू ट्राई टू फील द एक्सेलरेशन देयर, कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा बना यहाँ पर, दिस इज द वी टी ग्राफ एंड दिस इज ए टी ग्राफ, और एक बात नोटिस कर रहे हैं आप कि यहाँ का स्लोप और यहाँ का स्लोप, आपको ये ग्राफ दिखा रहा है कि ये स्लोप कितना, तो वी टी ग्राफ का स्लोप ही एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ स्लोप ज़्यादा है. यू कैन फाइंड स्लोप हेयर, व्हाट इज स्लोप, हमने स्लोप तो निकाला बेसिकली, ये दिस बाई दिस, तो ये कितना हुआ, मैंने इसको फोर लिया, ऑलमोस्ट फोर डिवाइडेड बाय टू, तो दिस इज टू मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, तो वी और टी, वी टी ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट गिव यू एक्सेलरेशन, और यहाँ पर क्या देखिए आप, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव आया यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव हेयर, क्योंकि टाइम के बढ़ने के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हुआ. क्या बोले थे, व्हाट इज पॉजिटिव स्लोप एंड व्हाट इज नेगेटिव स्लोप, व्हेन बाय द पैसेज ऑफ टाइम द क्वांटिटी दैट इज वेलोसिटी हेयर इट इंक्रीजेस, स्लोप इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, लेकिन व्हेन बाय द पैसेज ऑफ टाइम द क्वांटिटी जो कि हमें वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है. यू कैन सी 7 सेकंड पे वेलोसिटी 4 थी, ऑलमोस्ट 3.75 थी, हमने 4 कहा, और 7.1 पे और कम हुई, और कम होते होते 8 पे 0 हो गई. That means by the passage of time, the velocity is decreasing. This is a case of negative slope. So this was how we compared displacement time, velocity time, and acceleration time graph for the same situation when we were in a shopping mall. और हम लिफ्ट में बैठ के मजे से ऊपर जा रहे थे, तो हमने उसमें फिजिक्स क्या देखी, इन तीनों के रेफरेंस में उसको स्टडी किया. तो फाइनली वी कैन से कि व्हेन वी कैन असाइन अ स्पेसिफिक वैल्यू टू द एक्सेलरेशन, लाइक जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मीन दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, हमने देखा. तो जब हम कोई एक बॉल लेते हैं, उसको नीचे फेंकते हैं, तो बॉल इज गोइंग डाउन, तो उसका स्पीड बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. लेकिन मैं उसी बॉल को ऊपर फेंकूँ, सीधा ऊपर, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो यहाँ से आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन का आइडिया हो जाना चाहिए. और एक्सेलरेशन जीरो कब होता है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी. व्हेन देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी, इन दैट केस एक्सेलरेशन इज जीरो, राइट. और जब हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं, उसको हम सिंपली एक्सेलरेशन भी कह देते हैं. हमने ग्राफ से कंपेरिजन किया, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जब हम बात करेंगे तो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या क्या बनेंगे. दैट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल ऑल्सो टू अंडरस्टैंड मैनी थिंग्स. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के साथ बात करना शुरू करेंगे. आज के लिए इतने काफ़ी है. आज एक्सेलरेशन के बारे में ज़रा फिर देखिए, कुछ और बातों पर गौर करिए, ज़रा और डीप कोई स्टडी करिए किसी अच्छी सी बुक में से. एंड इफ एन डाउट इज देयर, प्लीज़ लेट मी नो. थैंक यू वेरी मच.